हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 15 टन एसी के फराना के बारे में ऑल डिटेल दूंगा। कैसे कैसे क्या होता है इसके बारे में पूरा जानकारी आपको दूंगा। ये है एसी का 15 टन का फराना, आप देख सकते हैं। अब सभी को ऑल डिटेल देता हूं मैं। इधर जो इंजन है, हाइड्रोलिक टैंक है, उस साइड डीजल टैंक है। ये हो गया केबिन। अब आ गए केबिन में, आप लोगों को आज टोटल डिटेल दूंगा केबिन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, किस चीज से क्या होता है, कौन सा बटन किस काम में आता है, सब बताएंगे आप लोगों को। पहले आते हैं, देखिए ये हमारा इधर जो है, ये लीवर हमारा लो हाई का है। अगर हम आगे रखेंगे ये लीवर तो लो में है, अगर हम पीछे रखेंगे तो हाई में हो जाएगा। अक्सर हम लोग लो में ही लगा के रखते हैं, माल वाल उठाते हैं तो लो में ही रहना चाहिए, तो इसको लो में ही रखते हैं। अगर कहीं अगर मार्चिंग वार्चिंग करना है दूर, तो उसके लिए हम लोग हाई लगा लेते हैं, ठीक है। इसके जस्ट पीछे ये हमारा हैंड ब्रेक है जो कि अभी लगा हुआ है। इसको आगे करेंगे तो हैंड ब्रेक छूट जाएगा, इसको पीछे करेंगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्टीयरिंग, इसमें हमको बताता है स्पीड, डीजल कितना है, प्रेशर, एयर प्रेशर, ये सब इसमें इंडिकेट करता है जो क्या चीज़ कितना कितना है, ठीक है। और ये हो गया हमारा SLI। अब आ जाते हैं हम इसके नीचे, SLI के जस्ट नीचे आ जाते हैं, ये जो बटन सब है। ये हो गया हमारा, अगर कहीं जाते हैं तो अगर लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट साइड जाना है तो राइट का इंडिकेटर, ये उसका बटन है। ये हमारा फैन का बटन है, इसको ऑन करेंगे तो फैन ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो फैन ऑफ होगा। ये हमारा वाइपर का है, इससे वाइपर चालू होता है, बंद होता है। ये हमारा लाइट का है, जो हम लाइट अपर डिपर पूरा इसमें लाइट का है, आगे का लाइट का, फ्रंट लाइट का। ये हमारा बूम का लाइट का है, जो हमारे बूम में इधर जो लाइट लगा रहता है ना, इधर इस जस्ट सामने उस बूम का लाइट का है ये। ये हमारा पार्किंग का है, ये हमारा जो इसको तो अगर गाड़ी खड़ा है इसको दबा के रखेंगे तो पार्किंग में इंडिकेट करेगा जो गाड़ी पार्किंग में लगा हुआ है। ये हमारा डिस्प्ले का लाइट का है, इससे डिस्प्ले का लाइट ऑन ऑफ होता है। ये हमारा ऊपर का केबिन का जो लाइट होता है, जो जलता रहता है इमरजेंसी लाइट, वो उसका है ये। और ये हॉर्न का है, और ये ईयर प्रेशर का है, ये ईयर प्रेशर का ये इंडिकेटर है। अगर जब तक ये ईयर प्रेशर यहाँ तक ना आ जाए हरे तक, तब तक इसका लाइट जलता रहता है रेड। जब एयर प्रेशर वहाँ तक हरे तक आ जाएगा तब इसका ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाएगा, उसके बाद ही हम गाड़ी अपना आगे चला सकते हैं, वरना गाड़ी नहीं उठाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इधर आते हैं, इधर हमारा ये क्लच है, ये क्लच, ये ब्रेक है हमारा, और ये एक्सीलेटर है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में आते हैं तो देखिए, ये दोनों जो नीचे में जो लीवर दिया हुआ है, ये दोनों लीवर जैक का है हमारा, जो आगे का जैक होता है उस जैक का है ये दोनों लीवर।
इस पे आ जाइए तो इस पे है बूम डाउन, नीचे करेंगे तो बूम डाउन, ऊपर करेंगे तो बूम अप, ठीक है। ये है टेली का, ये आगे करेंगे तो टेली बाहर आएगा, इसको पीछे करेंगे तो टेली अंदर आएगा, ठीक है। ये है अरिया और ये है हविस, ये अरिया हविस का है, नीचे करेंगे तो अरिया और ऊपर करेंगे तो हविस। चलिए ये बात आपको पता चल गया। इधर आते हैं गियर पे, सबसे ज़रूरी गियर। बहुत लोगों को गियर लगाने में ही तकलीफ होता है, क्योंकि बोलते हैं जो रिवर्स ही नहीं लगता है, एक नंबर लगाते हैं तो तीन नंबर लग जाता है, तो ऐसा बात होता है। गियर इस पे सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, देखिए एक नंबर किधर लगेगा, रिवर्स किधर लगेगा, दो नंबर किधर लगेगा, तीन नंबर किधर लगेगा, पाँच नंबर किधर लगेगा, चार नंबर किधर लगेगा, तो ऐसे इसमें टोटल चीज़ दिया हुआ है। ये टोटल चीज़ है, एक नंबर लगे लगाइएगा तो एक नंबर लगेगा, जस्ट इसके रिवर्स अगर लगाना होगा तो ऐसे घींच के पीछे करिएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट पीछे आपको एक नंबर आगे एक नंबर लगेगा, जस्ट आगे, उसके ठीक उसको छोड़ने के बाद जस्ट पीछे करिएगा, दो नंबर लग गया। इसके जस्ट आगे तीन नंबर और पूरा इधर लेके चार नंबर, ठीक है। और फिर पांच नंबर अगर हमको लगाना है तो जस्ट इधर पूरा इधर सटा के पांच नंबर लग गया, पांच नंबर लग गया। अब चलिए हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं जो स्टार्ट कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये चाबी दिया हुआ है, जस्ट इस पर हम चाबी घुसाएंगे, ऑन करेंगे एक बार, देखिए हमारा हॉर्न बजने लगा, देखिए हॉर्न बजने लगा। जब तक हॉर्न बंद ना हो तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है। हॉर्न हमारा हो गया बंद। अब देखिए, अब इधर बता दिया जो हुक पे वेट कितना है, कितना मीटर बूम निकला हुआ है, ठीक है, कितना डिग्री पे है, रेडियस कितना है, ठीक है, कितना टन उठा सकते हैं माल, ये सब इसमें दिया रहता है। बाकी ये सब ड्यूटी सेटअप, बाईपास का बटन सब दिया हुआ है, इसलिए नीचे करने का, ये ऊपर करने का, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टार्टर का बटन, इससे स्टार्ट होता है, ये अगर आप दबाए रखिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखिए मैं स्टार्ट करके बताता हूँ, देखिए हमारा गाड़ी हो गया स्टार्ट, हमारा गाड़ी हो गया स्टार्ट, ठीक है। अगर आपको बंद करना है, अगर आपको गाड़ी बंद करना है तो इसके जस्ट गियर जो है ना, ये गियर, इसके गियर के जस्ट बगल में नीचे देखिए ये स्टॉप का सिग्नल दिया हुआ है, स्टॉप का, इसको अगर हम घींच के रखेंगे, देखिए घींच के रखे गाड़ी बंद हो गया, और फिर घींच के रखने के बाद गाड़ी बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना चाबी काट दीजिए, ठीक है। तो यही एसी के 15 टन का फराना का ऑल डिटेल था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे किशन ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा अच्छा वीडियो चाहिए, किसी चीज़ का वीडियो चाहिए, किसी क्रेन का, चाहे कोई चीज़ का भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।